हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 1000 जीके जीएस एमसीक्यू, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है, जैसे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो कैलोरी मीटर जो मापा जाता है, इससे ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो तापमान है, तापमान को मेजरमेंट करने के लिए केल्विन का यूज किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा तापमान। अगला है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार किस्म के वन जो है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला क्वेश्चन, कारागम लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी में है तमिलनाडु। देखिए, इसके अलावा आप लोग तमिलनाडु से का एक नृत्य और याद रखिए, जो कि है भारतनाट्यम, शास्त्रीय है। तो भारतनाट्यम जो है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आंध्र प्रदेश का आप लोग याद रख सकते हैं, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, ये दोनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा कर्नाटक का यदि बात करें, तो कर्नाटक का यक्षगान पूछा गया है, और हिमाचल प्रदेश का धामन और डफ, ये दो ठो एग्जाम में काफी। अगला है, भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ बुक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया दो बुक एग्जाम में पूछा जाता है, गोदान एंड गबन, तो ये दोनों भी आप लोग याद रखिए। इसके अलावा आप बुक एंड ऑथर पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा जो ओल्ड वाला बुक एंड ऑथर है वो सारा कवर किया गया है। अगला है, मवेशियों के मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? ये होता है विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। और विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, हो सकता है ऑप्शन में आपको वायरस भी देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो ये है विटामिन बी का अच्छा स्रोत, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, विटामिन बी। देखिए, ये जितना भी एमसीक्यू है ना, इसमें सारा कुछ मिक्स है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ इसमें करंट अफेयर को नहीं कवर किया गया है, क्योंकि करंट अफेयर जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, उससे 3-4-5 महीना का करंट अफेयर पूछा जाता है, ज़्यादा का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए इसमें स्टैटिक वाला टोटल पार्ट है। तो करंट अफेयर तो कोई भी एग्जाम में जनरली 5 से 6 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो मैं करंट अफेयर जब एग्जाम होगा उससे पहले मैं करंट अफेयर का सारा इम्पोर्टेंट वाला लेकर आऊँगा। अगला है, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज सटा नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है कि बांग्लादेश से जो भारत का राज है, कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो देखिए, त्रिपुरा तो शेयर करता है, त्रिपुरा तो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और पश्चिम बंगाल भी शेयर करता है, मेघालय भी शेयर करता है, लेकिन मणिपुर शेयर नहीं करता है। इसका सही आंसर जो होगा ये मणिपुर हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश भारत के कितने स्टेटों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 5 स्टेट। अब उस स्टेट का नाम आप लोग को पता होना चाहिए, 3 स्टेट तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। इसके अलावा 2 स्टेट और है, एक है आसाम और एक है मिजोरम, ये 5 स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया थल से कितने, मतलब कौन से कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो ये ज़मीनी जो बॉर्डर शेयर होता है ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही करता है इंडिया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इसको भी याद रखिए। अगला है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इक्वाडोर में, और ये एक ज्वालामुखी है, और ये सबसे हाइएस्ट ज्वालामुखी है, मतलब सबसे ऊँचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। और ये इक्वाडोर कहाँ है? यह है साउथ अमेरिका में, मतलब दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है इक्वाडोर, याद रखिएगा। अगला है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स है। इसके अलावा नाटो का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन है? देखिए, सिलिकॉन क्या है? कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो सिलिकॉन जो है ये एक सेमीकंडक्टर है, और इसका यूज एग्जाम में पूछा जाता है। इसका यूज जो होता है, जो आईसी चिप होता है जो कंप्यूटर में या मोबाइल में बनाया जाता है, वो सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का यूज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में चिप कंस्ट्रक्ट होता है वो
सिलिकॉन से ही बनाया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला है ब्लू पैसिफिक क्या है। तो देखिए ब्लू पैसिफिक जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है, तो यहाँ पे तो कंप्यूटर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे की पत्तियों से पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं। देखिए पौधे से जो पत्ती मतलब पानी का बाष्पीकरण होता है इसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन। अगला है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था। तो देखिए ये पैक्ट जो था गांधी इरविन समझौता ये 1931 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा 1931 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। देखिए कांग्रेस के अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए में है बेलगांव अधिवेशन, इसमें सिर्फ महात्मा गांधी अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा आप लोग को डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप डेट याद रखें 1924 में ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव अधिवेशन। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं ये हैं एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था 1916 ईस्वी में, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला है अकबर के शासन काल में अनुदित महाभारत का पारसी में अनुवाद का नाम है। तो जो पारसी में महाभारत का अनुवाद हुआ है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है रजमनामा, आप लोग याद रखिए काफी बार एग्जाम में पूछा गया है रजमनामा। ये जितना भी क्वेश्चन है ना सारा प्रीवियस ईयर से लिया गया है, तो आप लोग एक बार जरूर वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। 1000 क्वेश्चन यदि आपका कवर हो गया तो आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको एक मतलब ऐसा फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ आपके पास कुछ ना कुछ है, बहुत सारा क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हैं। दूसरा बुक है यहाँ पे अकबरनामा, ये भी काफी बार पूछा गया है, इसका राइटर का नाम पूछा जाता है। तो अकबरनामा जो है ये लिखा गया अबुल फजल के द्वारा, और इसमें अकबर के जीवनी के बारे में लिखा गया है। अगला है पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम डैश है, मतलब सोडियम से क्या है, कम है, ज्यादा है, आधी है, बराबर है, क्या है। तो पोटेशियम देखिए आप लोग यदि वर्ग में देखते हैं मतलब पीरियोडिक टेबल का वर्ग जो है या ग्रुप बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में, तो ग्रुप में पहले सोडियम आता है बाद में पोटेशियम आता है। तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं ग्रुप में तो क्या होता है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो इस हिसाब से पोटेशियम नीचे है तो पोटेशियम का त्रिज्या सोडियम के त्रिज्या से क्या होगा ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा अधिक, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको पारा बोलते हैं, पारा को इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं, मरकरी, और ये इसका जो सिंबल होता है वो HG होता है, तो आप लोग याद रखिए इसको क्विक सिल्वर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो ये है देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये तीनों तो है, लेकिन ज़ीनॉन जो है ये परमाणु का उपकण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही, ज़ीनॉन। देखिए ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। अगर ये वीडियो आप लोग इंग्लिश में चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश में भी वीडियो लाने का। ऐसे इंग्लिश में भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है अलग अलग टॉपिक के नाम से, आप एक बार चैनल पर जरूर विजिट करें, वहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और इसके अलावा टॉप 500 आप हिंदी वाला मतलब इंग्लिश वाला हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का वीडियो आप नहीं देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो आप जरूर जाके देखिए इंग्लिश में यदि देखना है तो। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम का, वहाँ से जाके आप फॉलो करके वहाँ से मैसेज आप कर सकते हैं कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, या फिर आप कमेंट में भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।